देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। विविधता में एकता भारत की विशेषता। इस नारे के साथ जब पीएम मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अपना भाषण शुरू किया तो साफ हो गया कि नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर देश को हर सवाल का जवाब मिलने ही वाला है और मिला भी। इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं। क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों को वैध करने का काम किया तो क्या किसी से पूछा था कि आपका धर्म क्या है, आपकी आस्था क्या है? क्या हमने आपसे कोई सबूत मांगे थे? 70 का सबूत लाओ, 75 का सबूत लाओ, 80 का सबूत लाओ, मांगा था? पीएम ने मुसलमानों को भरोसा दिया कि सीएए से उन्हें डरने की जरूरत नहीं, जो भारत के नागरिक हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी और कथित अर्बन नक्सल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। एनआरसी इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस में जमाने में बना था, तब सोए थे क्या? हमने तो बनाया नहीं, पार्लियामेंट में आया नहीं, न कैबिनेट में आया है, न उसके कोई नियम कायदे बने हैं। हवा खड़ा किया जा रहा है। आज दीदी ममता दीदी सीधी कोलकाता से यूएनओ पहुंच गई, लेकिन कुछ साल पहले तक यही ममता दीदी संसद में खड़े होकर गुहार लगा रही थी कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोका जाए, वहां से आए पीड़ित शरणार्थियों की मदद की जाए। अब भी जो भ्रम में है, मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। दिल्ली की 1731 कॉलोनियों को नियमित करने पर बीजेपी की धन्यवाद रैली में पीएम मोदी विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर भी बरसे। देश में चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच ये पीएम का पहला भाषण था और अपने करीब 100 मिनट लंबे भाषण में उन्होंने इसे लेकर सारे संशय मिटाने की कोशिश की। देखना दिलचस्प होगा क्या विपक्ष और नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी इससे संतुष्ट होंगे।